आज मैं आपको मेरे मन की बात बताऊंगा कि नौकरी वर्सेस बिजनेस दोनों में से क्या क्या फर्क है दोनों के अंदर। तो दोस्तों मैं अपने मन की बात बताता हूं, कोई फर्क नहीं है। आप बोलेंगे ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, आप मन में तो जरूर सोचेंगे कि क्या कह रहे हैं भाई साहब, लेकिन मैं फिर से आपको कहता हूं कि कोई फर्क नहीं है और ना ही आपको फर्क करना चाहिए। दोस्तों अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो भी आप उसको अपना खुद का बिजनेस समझ के करें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो 100% समझ ही रहे होंगे, समझ क्या रहे होंगे, वो तो आपका है ही है, उसको आपको कहने से या करने से क्या फर्क पड़ जाने वाला है। अगर दिखाना है तो तख्ती डाल लीजिए गले के अंदर कि हाँ मैं यहाँ का ओनर हूँ। लेकिन आपको बिजनेस और नौकरी के अंदर किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं समझना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका मालिक भले ही समझे फर्क, कोई बात नहीं। जब मैंने नौकरी करी थी दोस्तों, 20 साल मैंने नौकरी करी, तो मैंने कभी ये नहीं समझा अपने जीवन में कि भाई मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं मालिक बन के वहाँ पे काम करता था। दोस्तों जब सीजन चलती थी दोस्तों, 6 महीने कंटिन्यू सीजन रहती थी हमारे यहाँ, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, आज के 12 साल 13 साल 14 साल पहले की। 10 बजे दुकान खोली दोस्तों, 10:10 पे, और पूरी रात दुकान चालू रहती थी। सुबह 5 बजे हम बंद करते थे दुकान और सुबह वापस 9:50 पे फिर घर से निकलना और 10:10 पे वापस दुकान खोल लेना, ये रूटीन रहता था। फिर नेक्स्ट डे हम नाइट नहीं करते थे, एक दिन छोड़ते थे, फिर दूसरे दिन वही रूटीन वापस शुरू होता था। महीने में 15 दिन नाइट होती थी क्योंकि काम नहीं पड़ता था। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी जिससे कि हम धड़ाधड़ पैकिंग कर सके। उस समय ये जो कार्टून आज आपके पास पहुंच रहे हैं ना, मोटे मोटे कार्टून जिनके अंदर भर के हम लोग माल बेचते हैं, उस समय जब बॉक्स हम लगाते थे तो लकड़ी की पेटी के अंदर हमें ठोक ठोक के बॉक्स लगाने पड़ते थे। वो लकड़ी की पेटी आती थी लकड़ी से बनी हुई, उसके अंदर बॉक्स डाल के बेचने पड़ते थे। तो टेक्नोलॉजी का बहुत फर्क था, काम दिन के अंदर पट नहीं पाता था तो पूरी पूरी नाइट करके हमको पैकिंग करनी पड़ती थी। तो इस तरीके से हम लोग पैक करते थे, इस तरीके से। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरा एक ही मतलब था, एक ही मकसद था हमारे उस बिजनेस को नंबर 1 पे पहुंचाने का, उस बिजनेस को ऊंचे से ऊंचे मुकाम पे पहुंचाने का, उस फर्म को बढ़िया से बढ़िया मुकाम पे पहुंचाने का। हमने कभी भी नौकरी और बिजनेस में कोई मैंने फर्क नहीं किया दोस्तों, आपने भी फर्क नहीं करना चाहिए। यही एक सबसे बड़ा फर्क होता है एक नौकरी में और एक बिजनेस के अंदर, कि लोग नौकरी को नौकरी समझते हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी ना करें तो दोस्तों कहीं भी वो अपने आप को ऊपर पहुंचाने से रोक नहीं सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में रहें, किसी भी जगह पे रहें, आप उस फील्ड में नौकरी करते हुए भी टॉप पे पहुंच सकते हैं अगर आप उस बिजनेस को, उस नौकरी को अपना समझते हैं, अब मालिक बन के उसकी जगह काम करते हैं। मेरा जो मन है, मैं हमेशा कहते आया हूँ कि नौकरी कुछ नहीं बदल सकती है, नौकरी से बदलेगी तो आप किस घर की सब्जी, आपके EMI। लेकिन दोस्तों जब तक नौकरी करो तब तक उसको अपना समझ के करो, अपना बिजनेस समझ के करो, खुद की दुकान समझ के, खुद का ऑफिस समझ के, खुद की ऑर्गेनाइजेशन समझ के, उस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक आप हो ये समझ के आप उसको करो, तब आप उसमें भी एक मुकाम हासिल कर सकते हो। और फिर जब भी जिस दिन भी आप अपना खुद का बिजनेस करेंगे तो वो जो वहां से सीखा होगा ना आपने, वो आपके आगे जाके इतना काम आने वाला, इतना काम आने वाला है जो कि आज मेरे काम आ रहा है। देखिए दोस्तों, तो जहां भी रहें, चाहे नौकरी में चाहे बिजनेस में, जो डिफरेंस कई मोटिवेशनल स्पीकर आपको बताते हैं, आज मैं उस डिफरेंस को खत्म कर देता हूं, जीरो कर देता हूं। कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच का है। अपनी सोच को मालिक वाली सोच बनाइए, नौकर वाली नहीं।